डोडा में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। रात में भी यहां पर तलाशी की गई। डोडा के भाटा में आतंकियों के एक गुट से मुठभेड़ हो गई थी। डोडा में सोमवार से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कल कैप्टन समेत 5 जख्मी जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। तो डोडा में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के एक गुट ने वहां पर लगातार एक्टिव है, जिसकी वजह से एक आतंकी हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। डोडा में सोमवार को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। और आज लगातार कल रात भर देर रात तक भी यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जाता रहा। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। रात में भी तलाशी की गई। इन सब के बीच में आज शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और दूसरी तरफ हम लगातार ये जानकारी आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि पिछले 3 साल के दौरान आतंकी हमले किस तरह से बढ़े और उसमें अब तक 42 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कल जो 5 जवानों का आंकड़ा है वो शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और चिंता का सबब बना हुआ है। एक एक कर लगातार कोई महीना नहीं गुजरता जब आतंकी वारदात नहीं हो रही है। तो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को लेकर लगातार बहुत सारी बयानबाजी हुई और शांति और अमन कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया, लेकिन पिछले 3 साल के दौरान बहुत आतंकी हमले यहां पर बढ़े हैं। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जवानों के शहीद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है।